हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर आप बात करते हो तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, कि डीएनए से आरएनए बनेगा। एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और ये रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आप सीधे देख के बता सकते हो कि इसका जो टेम्पलेट होगा वो ये वाला स्ट्रैंड होगा। अगर मैं इसको पहला बोलता हूं, इसको दूसरा बोलता हूं, तो जो सेकंड स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? वो टेम्पलेट होगा, देख के बता सकते हो। और ये जो होगा वो सेंस स्ट्रैंड होगा, ठीक है, सेंस स्टैंड। ये एंटी सेंस होगा, जो टेम्पलेट होता है वो एंटी सेंस होता है। सो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम और 5 प्राइम, ये इंड देख के, दोनों सेम हो रहा है तो वो सेंस स्टैंड होगा। ठीक है जी, इंड देख लोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप इंड मैच भी करके तुरंत बता सकते हो सेंस स्टैंड कौन होगा। ठीक है जी, चलिए ग्रेट। सो आप लोग इस सारा काम कर सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। वो चीजें क्या चाहिए होती हैं? जैसे कि यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। अब कुछ टर्म्स आते हैं यहाँ पे, वो आता है जैसे कि ORF। ORF क्या है? ठीक है, ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, मैं ORF का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पेप्टाइड, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था, कि ORF और जीन जो होता है वो मैंने पार्ट बता दिया था। ORF जो होता है इसमें स्टॉप कोडॉन इन्वॉल्व नहीं होता, नो स्टॉप कोडॉन। ठीक है, नो स्टॉप कोडॉन, सीधे सीधे ओपन रीडिंग फ्रेम, मतलब कि ऐसे जीन सेगमेंट, ठीक है, ऐसा जीन सेगमेंट जिसमें कि स्टॉप कोडॉन ना हो, जीन सेगमेंट विदाउट स्टॉप कोडॉन। ठीक है, विदाउट स्टॉप कोडॉन, कॉन्टिन्यूअस जीन सेगमेंट, नॉट अलग अलग, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस जीन सेगमेंट, दैट इज द विदाउट स्टॉप कोडॉन। जीन में आपका स्टॉप कोडॉन भी हो सकता है, इसका एक्सॉन भी हो सकता है, और इसका पार्ट इंट्रॉन भी हो सकता है, और ये स्टॉप कोडॉन के साथ हो सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ये मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका था आपको पहले भी। क्या कॉन्सेप्ट बता चुका था? कि थ्री बेस पेयर फॉर्म्स वन अमीनो एसिड, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले, इस पे न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं, तो वो यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बात करता हूं कि कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं, कई प्रोसेसेस जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें आप क्या करना होता है, सीधे सीधे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि पहले प्रमोटर का रिकॉग्निशन होता है, फिर बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रमोटर का क्लियरेंस होता है, फिर हेलिक्स की ओपनिंग होती है, हेलिकेज के थ्रू ही होता है, फिर बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है, फिर अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर रिमूवल ऑफ द सुपर कॉइलिंग एंड टर्मिनेशन हो जाता है। सो ये सारी चीजें होती हैं वन बाय वन, इसको अगर रिलेट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट होगा। प्रमोटर रिकॉग्निशन, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एज अ डायग्राम कैसे आप रीड करोगे। ठीक है, देखिएगा, ये रहा प्रमोटर। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इन द प्रोकैरियोट बात की जा रही है, यहाँ पे भी प्रोकैरियोट की बात की जा रही है। तो ये छोटा वाला जो पार्ट है ये है सिग्मा 70 फैक्टर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएशन होने से पहले अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, प्रमोटर क्लियरेंस होगा। यहाँ पे कई सारी चीजें होती है जैसे कि प्रमोटर का क्लियरेंस, अबॉर्टिव इनिशिएशन, उसके बाद इनिशिएशन होगा। ठीक है, सी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इनिशिएशन हो रहा था, अब इलोंगेट करना होगा। जैसे अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद आपका इलोंगेशन की तरफ जाएगा। ये अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होता है कि शुरू में तीन चार न्यूक्लियोटाइड बन के टूट जाता है। वो टूट जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि
कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं स्टेबल इनिशिएशन के लिए, जिसको बोलते हैं आपके अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो जब ये इनिशिएशन हो जाता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। इलोंगेशन सिर्फ और सिर्फ कोर एंजाइम से होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे दिखाया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज से होगा इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन साइट पे, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज अलग और आरएनए अलग हो जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस इन द कंपैरेटिव वे। कंपैरेटिव वे में इसको डिस्कस करने की कोशिश करिएगा, दैट इज व्हाट कि कंपैरेटिव वे में क्या हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। सिस्ट्रॉन जो होते हैं प्रोकैरियोट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब सिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? पॉली एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक। सी, अगर एक जीन, एक ही आपका स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन या यहाँ पे कह सकते हो स्टार्ट साइट है, इसके बाद होने के बाद एक जीन, दो जीन, तीन जीन एक साथ बन जा रहे, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और अगर एक स्टार्ट साइट है, इसके स्टार्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन बन रहा है, तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट के पास स्पेस कम होता है और उसके पास एनर्जी कम होती है, तो वो यही चाहेगा कि एक बार अगर अपने ओपेरॉन को ऑन करे, अपने ओपेरॉन को ऑन करे तो वो पूरे जीन्स को सिंथेसाइज कर दे। अब ये ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। ओपेरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज ओपेरॉन, ठीक है, ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, इट इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स, इट इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स। क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं जो कि इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसमें कि आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। एक आपका सेगमेंट होता है आर, एक होता है पी, एक होता है ओ और एक होता है एस। आर जो होता है वो होता है रेगुलेटरी, आर जो होता है वो होता है रेगुलेटरी, पी जो होता है वो होता है प्रमोटर, पी जो होता है वो होता है प्रमोटर, ओ जो होता है वो होता है ऑपरेटर, ओ जो होता है वो ऑपरेटर, एस जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। इसको हम लैक ओपेरॉन में भी पूछी जाती है चीजें कि क्या होता है क्या नहीं होता, अभी हम देखेंगे ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव वे में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रमोटर जो होता है दो बॉक्सेस पाए जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, कौन कौन से? एक होता है प्रिबनाउ बॉक्स प्रोकैरियोट में, एक होता है हॉगनेस बॉक्स। प्रिबनाउ बॉक्स को बोलते हैं टाटा -10 पे पाया जाता है और हॉगनेस बॉक्स -30 पे पाया जाता है TTGACA। यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए जो पाया जाता है वो पाया जाता है टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स -30, 70, -85 पे। अब ये रहा प्रमोटर, जैसे कि ओराई था तो उसको ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स चाहिए था, तो यहाँ पे प्रमोटर है तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने वाला चाहिए, तो जो होता है सिग्मा 70 फैक्टर। और यूकैरियोट में जो चाहिए वो चाहिए टीबीपी, टीएएफ एंड टीएफ सेकंड डी। टाटा बॉक्स के लिए क्या चाहिए? टीबीपी का मतलब होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है टीबीपी का मतलब, ठीक है। और टीएएफ का मतलब है टाटा एसोसिएटेड फैक्टर, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर, दैट इज व्हाट टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। इनिशिएशन प्रोकैरियोट की देखेंगे, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 70 फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, कोर एंजाइम, टर्निंग कॉम्प्लेक्स एंड एबॉर्टिव इनिशिएशन इस तरीके से चलेगा। बीच में आपका क्या आता है? प्रमोटर क्लियरेंस आता है, प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर क्लियरेंस आएगा। नाउ आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब प्रोकैरियोट में इनिशिएशन सिग्मा 70 से हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट में कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। द कोड, यहाँ पे आप एक कोड यूज कर सकते हैं, द अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है। इस कोड को यू कैन यूज द अमिताभ, ठीक है, यू कैन यूज दिस कोड द अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक फैंटास्टिक एंटरटेनर है। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं, एंटरटेनर है, अगर इस कोड को यूज करेंगे सो तो यही ऑर्डर है, दैट इज व्हाट डी ए बी एफ ई एच सी, डी ए बी एफ ई एच, और जो फैंटास्टिक वर्ड के साथ है, फैंटास्टिक के साथ आरएनए पॉलीमरेज आएगा, दैट इज व्हाट फैंटास्टिक के साथ आरएनए पॉलीमरेज आएगा। सो ये चीजें कुछ की पॉइंट्स है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिबनाउ बॉक्स कहां पे होता है, किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट में।
क्रिबनाउ और हॉगनेस बॉक्स। यूकेरियोट में क्या पाया जाता है? टाटा कैट बॉक्स। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ आता है? प्रोकैरियोट में सिग्मा 70 के साथ। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे किसके साथ आएगा? इसके साथ आएगा आरएनए पॉलीमरेज, जबकि यूकेरियोट में आरएनए पॉलीमरेज आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ के साथ। तो इस तरीके से इनिशिएशन होता है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है जी? नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट, दैट इज द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इलोंगेशन के बारे में बात करेंगे, इलोंगेशन के बारे में बात करेंगे तो इलोंगेशन में कुछ नहीं होता। इलोंगेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मेनी प्रोसेसेस, इलोंगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे कोर एंजाइम ओनली, ज्यादातर कोर एंजाइम जो होता है वही यूज होगा। कोर एंजाइम का मतलब सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा यहाँ पे। और गायरेज एक्टिविटी के लिए टोपोइसोमेरेज 2 के पार्ट्स गायरे गायर भी यूज होते हैं। और इलोंगेशन सेम एज इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 आके इलोंगेट करेगा, उसके साथ साथ कैट बॉक्स पे कभी कभी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स आके बाइंड करते हैं। क्या आके बाइंड करेंगे? एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स आके यहाँ पे बाइंड करेंगे और एक्टिवेट कर देते हैं सिंथेसिस को, या रेट को इंक्रीज कर देते हैं। That is what increase कर देते हैं rate of the transcription. Termination दो तरीके से होते हैं। Termination होता है row dependent and row independent. Row dependent की बात करता हूँ। Row dependent में एक row protein होता है जो कि अगर एक mRNA बन रहा है, अगर एक यहाँ पे DNA है, यहाँ से mRNA बन रहा है, तो mRNA के 5' end से ये row protein move करता हुआ जाएगा, मूव करता हुआ जाएगा, और यहाँ पे जहां पे टर्मिनेशन साइट होगा पहुंचने के बाद, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको क्लीव कर देता है। क्लीव द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एमआरएनए एंड डीएनए, एंड उसके बाद हेलिकेज का काम करता है रो प्रोटीन। और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर आरएनए में बनता है। किसमें बनेगा? ये आरएनए में बनता है। और स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्या करेगा? स्टॉप द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर मूवमेंट को रोक देता है, जिससे कि वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, यस यू कैन से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आपस में एक दूसरे से बाइंड कर लेते हैं आरएनए में। इज इट क्लियर जी कंचन? आप पैलेंड्रोमिक भी बोल सकते हो, दीज आर द पैलेंड्रोमिक, ठीक है ना? सो यहां तक ट्रांसक्रिप्शन क्लियर होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के बारे में बात करेंगे। सो इट इज सिंगल टाइप। ये क्या है? ये सिंगल टाइप होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंगल टाइप होता है। आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट इट इज अ सिंगल टाइप, एक तरीके का होता है, वन टाइप होता है। आरएनए पॉलीमरेज डिवाइडेड इंटू द 5 सब यूनिट्स। दीज आर वॉट? ये सब यूनिट्स है, 5 सब यूनिट्स में होते हैं, टाइप नहीं है। अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, That is the delta, ठीक है? अब अल्फा जो होता है, this is the regulatory function, assembly and regulatory होता है। बीटा एंड बीटा प्राइम इज यूज फॉर द कैटेलिटिक, कैसे होता है? कैटेलिटिक फंक्शन होता है। उसके बाद ओमेगा इज फॉर द स्टेबिलाइजेशन, एंड सिग्मा एज यू नो दैट कि सिग्मा 70 अभी आपने पढ़ा था, दिस इज फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन। दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, सिग्मा। अल्फा इज फॉर रेगुलेटरी, बीटा, बीटा प्राइम इज फॉर कैटालिटिक, ओमेगा फॉर स्टेबिलाइजेशन, एंड सिग्मा फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन। नाउ आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2, and 3, ठीक है? सो याद रखिएगा एक कोड जिसको बोलते हैं RMT, रमता जोगी, ठीक है? दैट इज व्हाट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कई बार पूछा गया है गेट बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेल एग्जाम में कि कौन क्या बनाता है, कौन क्या बनाता है कई बार पूछा गया है, ठीक है? सो ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। अगेन एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, जो कि गेट एक्सेल टारगेट कर रहे हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, आप गेट बीटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा, और जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत इंटरचेंज होते हैं, बहुत इंटरचेंज होते हैं। सो गेट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए बनाता है।
सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बनाता है 5.8 18s 28s। नाउ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो कुछ स्मॉल आरएनएस बनाता है, स्मॉल आरएनएस बनाता है, दैट इज द 5s राइबोसोमल आरएनए, U6SN आरएनए साइन। ये कुछ आपके बनाते हैं, कौन बनाते हैं ये बनाता है आपका आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये बनाते हैं, और इसके साथ साथ टीआरएनए बनाता है। सेकंड जो होता है मैसेंजर आरएनए, मोस्ट ऑफ द एसएन आरएनए लाइन एमआईआरएनए, ये बनाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। सो ये सारे आपके आरएनए पॉलीमरेज के बारे में चीजें होंगी जो कि आपको लर्न करना है, कौन कहां पे बनाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? यहां तक समझ में आ गया आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कैसे हो रहा था? रिप्लिकेशन हमने देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन देख लिया। नाउ मूविंग फॉर द प्रोसेसिंग। मैं बहुत डिटेल में प्रोसेसिंग को डील नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो लोग CSIR पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे मुझसे, वो ये ना समझे कि मैं चीजों को कट आउट कर रहा हूं, क्योंकि आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो वो एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, खासकर mRNA प्रोसेसिंग। ठीक है, mRNA प्रोसेसिंग, इसमें कुछ प्रोसेसिंग होता है जैसे कि 5' कैपिंग होता है, जो कि ज्यादातर गुआनिन या एडिनिन पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, गुआनिन या मेडिनिन पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है। किस पोजीशन पे? सिक्स पोजीशन पे इनके मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है। ठीक है जी, 5' कैपिंग। एक होता है पॉलीएडिनाइलेशन। ठीक है, पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये होता है 3' एंड पे, 3' एंड पे होता है। 3' एंड के लिए यहाँ पे जो इंजाइम यूज होता है वो होता है पॉली ए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यूज होता है यहाँ पे 3' एंड पे। क्या होते हैं? कई सारे एडिनिन इस तरीके से ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, पॉलीएडिनाइलेशन के साथ साथ अब आता है यहाँ पे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो होता है एमआरएनए में जो इंट्रॉन्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ग्रुप टू इंट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पे। ग्रुप टू इंट्रॉन की जो स्प्लाइसिंग होती है वो स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड होता है। ये एक असेंबली होती है स्प्लाइसियोसोम जो कि इस स्प्लाइसिंग में हेल्प करती है। स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड होता है, GUAG इंट्रॉन होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये आपका 25, ठीक है, दैट इज 25-33, ये कोड बनता है कि 2' OH अटैक करता है 5' फॉस्फेट पे। कैसे करेगा? ब्रांच पॉइंट जो होता है अटैक करेगा 5 पे, और 3' अटैक करेगा OH। 2' OH अटैक करता है 5' फॉस्फेट पे, और 3' OH अटैक करता है 3' फॉस्फेट पे। इस तरीके से अटैक करता है 25-33। यहाँ पे एक लैरियट स्ट्रक्चर भी बनता है कि नहीं बनता, लैरिएट स्ट्रक्चर भी बनेगा जो कि यहाँ पे एमआरएनए के प्रोसेसिंग में बनता है। ठीक है, सो एक लैरिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी होता है। इज इट क्लियर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एमआरएनए? ग्रेट, नाउ मूविंग टू द सम अनदर पार्ट, कुछ और पार्ट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर दैट? दैट इज व्हाट द चेंजेस। Your dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or VirenLife to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।